हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीडिया सेंटर। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन एडमिशन के लिए यूनिक आईडी होना ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यूनिक आईडी आप कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा, जिस लिंक से अभी जो एडमिशन शुरू होने वाला है आसाम में HS के लिए, BA के लिए, तो ये जो यूनिक आईडी है ये होना मैंडेटरी है। तो ये वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी घर बैठे यूनिक आईडी जनरेट कर पाए। ये आपको अप्लाई करते वक्त यूनिक आईडी होना मैंडेटरी है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि यूनिक आईडी कैसे आप बना सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है, ये मैं अपने वीडियो के नीचे लिंक में दे दूंगा, वहाँ से भी आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी मैं बता दूँ, इसका जो वेबसाइट है वो है dheonlineadmission.mtron.in/sp, ये है वेबसाइट। तो आप जब वेबसाइट में ओपन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसका जो लास्ट डेट है अभी दिया गया है 20 अगस्त 2021। तो इस यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए आपको जो चाहिए होगा मैंडेटरी, वो होगा कि आपका एक सेल्फ का जो है बैंक पासबुक होना चाहिए। तो आप पे मिलेगा, नीचे जब जाओगे यहाँ पे लिखा होगा गो फॉर रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट लॉगिन, यानी कि मॉडिफिकेशन, यानी कि आप पहले जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हो उसका अगर कुछ गलती हो चुका है आपसे, तो उसका आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर पाओगे। उसके नीचे होगा ये कॉलेज का सिस्टम है, ये आपको नहीं करना है कुछ। तो पहले आपको जाना होगा गो फॉर रजिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है, फर्स्ट नाम देना है, आपका जो नाम है उसका जो पहला जो नाम है वो सामने देना है, मिडिल जो नेम है आपका अगर है तो आपको देना है, नहीं है तो छोड़ देना है, लास्ट नेम है आपका जो लास्ट नेम है वो आपको देना है, आपका जो फादर नेम है वो देना है, मदर नेम है वो देना है, आपका मोबाइल नंबर देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, आपका जो जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करके देना है, आपका रिलीजन है जो है वो सिलेक्ट करके आपको देना है, आपका जो कास्ट है वो आपको सिलेक्ट करके देना है, जनरल, OBC, SC, MOBC, STP, ST हिल्स, ये सब कुछ है, PWD अगर है आप तो उसका यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए, आपका स्टेट यहाँ पे आसामी रहेगा और डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका आएगा एग्जामिनेशन एंड कोर्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ के लिखा है सीकिंग एडमिशन फॉर, यहाँ पे दो है, यह है HS है, UG है, PG है। और ये जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप मान लीजिए कि आप अभी 10 पास कर चुके हो और HS में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे आपको देना है कि आप HS में एडमिशन, ये है जो आप एडमिशन किस क्लास में आप एडमिशन लोगे उसकी तरफ से ये होगा। अगर आप HS में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे HS सेलेक्ट करना होगा, और जो सेमिस्टर था वो किस सेमिस्टर में, HS में फर्स्ट सेमिस्टर में देना है तो फर्स्ट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे दे आप लास्ट एडमिशन पास, जो आपने लास्ट जो एडमिशन है वो पास कर ले, अगर आपने HS अभी एडमिशन लेना है तो आपका लास्ट एग्ज़ाम था HSLC यानी कि 10 पास। अगर आपको इसी तरीके से अगर आपको BA में एडमिशन लेना है तो ऊपर में आपके जाकर UG सिलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे में आपका अगर आप डिग्री में एडमिशन ले रहे हो तो आपका पिछला जो एडमिशन लास्ट एग्ज़ाम जो था वो HS था, यहाँ पे आपको HS सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो रजिस्ट्रेशन लास्ट एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन नंबर था वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देना है। और आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा आप सिलेक्ट कर पाओगे। अगर HS फर्स्ट ईयर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा देना है HS, उसके बाद आपको HS सेकेंड ईयर है कौन सा रजिस्ट्रेशन देना है, अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमिस्टर है तो आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन देना है, ये आप देख के आपको पता चल जाएगा। उसके बाद
आपको अकाउंट नंबर देना है, आपका खुद का जो अकाउंट नंबर है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम देना है, अकाउंट नंबर देना है, उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड देना है। अगर मान लीजिए आपके पास अकाउंट नहीं है, आप अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं, तो इस विषय में आप अपना कॉलेज या स्कूल में संपर्क कीजिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है कि आपको यूनिक आईडी जनरेट करना है, और इस जनरेट करने के लिए आपको बैंक पासबुक होना ज़रूरी है। ये इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट जो असम है वो जो स्कूल कॉलेज को स्कीम देता है, तो उस बैंक आईडी में अगर आप लिंक पहले से भी कर चुके होंगे तो जो फैसिलिटी है तो वो आपके बैंक के थ्रू आपको आसान तरीके से मिलता रहे। तो पिछले बार ये देखा गया था किसी कई के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं था, तो अपना पेरेंट्स का बैंक अकाउंट दिया था, तो वो भी कॉलेज से कंसल्ट कर लीजिएगा, और अगर ये पेरेंट्स का देते हैं तो वहाँ पे भी चल जाएगा, लेकिन आपको बाद में मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है, वहाँ पे आप तो देखे ही होंगे, मॉडिफिकेशन में क्लिक करके आपका खुद का देना है। ये भी आप दे पाओगे क्योंकि यहाँ पे मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है। अगर आपके हो नहीं रहा है, क्योंकि कई बैंकों में कोई डॉक्यूमेंट के इशू के कारण बैंक अकाउंट नहीं होते, ये बात सही है, तो आप एक बार कॉलेज में या आपका जो स्कूल है वहाँ पे आप एक बार बात कर लीजिएगा, जो उन लोगों बोलेगा तो वही करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और उसके बाद अकाउंट नंबर के बाद आपको आई यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका एक यूनिक आईडी जनरेट होगा और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, इस यूनिक आईडी के थ्रू आप अपना कॉलेज में स्कूल में अप्लाई कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉलेज के अपडेट, जॉब अपडेट और अप्लाई के इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा।